हे दोस्तों, वीडियो का इंट्रो देख के तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज फ्रिज रीस्टॉक होने वाला है और मुझे बहुत ही प्यारा सा ये बोरोसिल का गिफ्ट पैक रिसीव हुआ है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे सिस्टर ने मुझे इसे गिफ्ट किया था और बहुत ही अलग अलग शेप एंड साइज़ के इसमें बोल्स हैं, तो आज मैं इन्हीं को यूज़ करने वाली हूँ रीस्टॉकिंग के लिए। हरा धनिया अभी काफ़ी मार्केट में अच्छा खासा मिल रहा है। इसे फ्रेश लंबे समय तक बनाए रखने के लिए फ्रिज में रखना तो एक आसान तरीका है, लेकिन उसे कैसे आप 10 से 12 दिन चला सकते हो उसका एक तरीका मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आप धनिया को बिना धोए बस हल्का सा इसका मॉइस्चर जो है ना वो हटाकर और इस तरह से मल्टीपल नैपकिन की लेयरिंग करके और एक बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। तो एक बार में जितना आपको चाहिएगा आप उतना इस क्वांटिटी निकाल लीजिए और जितनी नमी होगी जो फ्रिज में रहने के बाद भी रहती है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर सारा नैपकिन सोख लेगा। तो इससे आपके जो धनिया है वो कम से कम 10 से 12 दिन आराम से चल सकता है। फूड सर्विंग में अगर टाइम सेव करना है ना तो मैं क्या करती हूँ कि पहले से खीरा या दूसरे सैलड के जो भी आइटम होते हैं जैसे कि चुकंदर और गाजर, ये सब कुछ मैं पहले से कट करके और फ्रिज में रख देती हूँ कम से कम 5 से 6 दिन का। तो चुकंदर तो एक ऐसी चीज़ है जो कम से कम 10 से 12 दिन रह जाती है अगर एयर टाइट डब्बे में आप उसको डाल के और फ्रिज में रखें तो। लेकिन खीरा का मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि 5 डेज़ जो है वो मैक्सिमम पीरियड रहता है। बट मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है कि जब भी मुझे लंच या डिनर सर्व करना है तो ये सैलेड जो है वो ऑटोमेटिकली कटा हुआ मुझे मिल जाए। हटो यहाँ से, मैं लो हटो, काम करने तो हटो 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 हटो। अरे 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 काम नहीं करने देगा, हटो 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 हटो, लग जाएगी। बाबा हट जाओ, बाबा अरे हट जाओ बाबा। हल्का सा विनेगर और सॉफ्ट टिश्यू से मैंने मेरा फ्रिज अंदर से साफ़ कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा गंदा नहीं था इस वजह से मुझे डीप क्लीन करने की या एक्सट्रीम क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज़ एक्सट्रीम क्लीनिंग के लिए मैं रेड वाला हार्पिक जो है उसको अच्छे से डाइल्यूट करके उसके बाद में यूज़ करती हूँ। तो सारा रोज़मर्रा का जो मेरा सामान है यानी ये दूध हो गया, ब्रेड हो गई, वो सब कुछ मैंने इसके अंदर रख दिया है। ये जो जेली दिख रही है ना आपको आइस ट्रे में, वो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर से लीजिएगा, मैं लिंक वैसे शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हस्बैंड अभी ग्रॉसरी भी लेकर आए थे हफ्ते भर की, तो फ्रूट्स भी मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। और ये देखिए वेजिटेबल बॉक्स, इसमें मैंने लेयरिंग करी है न्यूज़पेपर और एक कपड़े की। इसकी वजह से ना जो हमारी वेजिटेबल्स में एक्स्ट्रा नमी बन के आ जाती है कुछ दिनों के अंदर वो सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारी सब्जियाँ जो है लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं, सड़ती नहीं है। मेरा रीस्टॉकिंग पैटर्न काफ़ी बार चेंज होता रहता है, तो जैसे ही मुझे सहूलियत लगती है उसके अकॉर्डिंग मैं रीस्टॉक करती रहती हूँ, मैं ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। आप चाहें तो इसको डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में डाल सकते हैं या मेरी तरह इसको कॉमनली आप वेजिटेबल बॉक्स में डाल सकते हैं। भिंडी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है लेकिन उसकी नमी अगर हम लोग सोख के रखें ना तो वो लंबी चल भी जाती है कम से कम 3 से 4 दिन, इसलिए मैंने उसको न्यूज़पेपर के अंदर ही रैप करके रखा था। फ्रिज डोर की साइड शेल्फ ना काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी तो मैंने इन्हें निकाल कर और प्लेन वाटर के साथ में अच्छे से धो दिया था और उसके बाद में सुखा के और अब मैं इसके अंदर सामान जमा रही हूँ। और ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि माइलो की ट्रीट्स, इन्हें भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ गर्मियों में। और ये आ गए मेरे सारे सैलेड की बाउल्स। आई नेवर फॉरगेट टू गिव माई सेल्फ अ ट्रीट आफ्टर अ हेल लॉट ऑफ वर्क। तो
दोस्तों यहीं तक था आज का मेरा ये ब्लॉग, और मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको कहीं भी किसी पॉइंट पर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर से कर देना, और हाँ अपने आप को कभी भी ट्रीट देने से मत चूकना। जब भी काम करते हैं खुद के लिए करते हैं मान लिया, बट लेकिन खुद को अप्रिशिएट करना और नेक्स्ट टाइम के लिए मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रीट होना बहुत ज़रूरी है। मैं मिलती हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग को लेकर। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you.